नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं ब्रेन बिल्डर। हम आए हैं कुतुब मीनार। क्या कुतुब मीनार को हिंदू मंदिरों को जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था? क्या वाकई में आक्रांताओं ने हिंदू सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की थी? इसी को जानने के लिए ब्रेन बिल्डर आज आया है कुतुब मीनार। तो चलिए देखते हैं कुतुब मीनार में ब्रेन बिल्डर को क्या कुछ दिखा। दिल्ली की शान कुतुब मीनार, आसमान में जहां तक नजर जाएगी बस यही मीनार नजर आएगी। कुतुब मीनार भी हमारे देश में ताजमहल की तरह ही मशहूर है। स्कूल में इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन आजकल यही कुतुब मीनार चर्चा में है। दिल्ली की एक अदालत में डाली गई एक याचिका की वजह से कुतुब मीनार पर सवाल उठे हैं। याचिका में कहा गया है कि कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बने ये स्मारक हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाए गए थे, इसीलिए वहां हिंदुओं और जैन धर्म के लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत दी जाए। हालांकि एएसआई ने अदालत में कहा है कि वो इस परिसर में किसी को भी पूजा करने का अधिकार नहीं देगा, क्योंकि ये परिसर ऐतिहासिक दृष्टि से संरक्षित सूची में आता है। सवाल है कि क्या वाकई में आक्रांताओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया था? क्या कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिरों के दमन का एक और इतिहास दबा हुआ है? इसकी क्या सच्चाई है? इसी को जानने के लिए हम कुतुब मीनार पहुंचे। देश की सरकार ने यह माना है कि गगनचुंबी ये मीनार साल 1202 में बननी शुरू हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इस मीनार का केवल निचला हिस्सा ही बन पाया था। इसके बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना तो उसने इस कुतुब मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण कराया। बाद में जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का बादशाह बना तो उसने 15वीं शताब्दी में इसकी 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण कराया था। कुतुब मीनार से ठीक 20 कदम की दूरी पर बनी है कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद। कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद का निर्माण साल 1192 में शुरू हुआ और 1198 तक ये मस्जिद बनकर तैयार हुई। यानी ये मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनाई गई थी। मोहम्मद गौरी के अफगानिस्तान लौटने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित किया, तब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ। दावा है कि ये मीनार उसी जगह पर बनाई गई जहां पहले मंदिर हुआ करते थे। इस कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद के शिलालेख को देखेंगे तो इस पर साफ साफ लिखा है कि इसे 27 मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। हिंदू इतिहास में माना गया है कि मंदिरों की एंट्री आमतौर पर पूर्व की दिशा से होती है। जैसे ही हम आगे बढ़े एक भव्य गुंबद नजर आया जिसमें भारतीय कलाकृतियां और नक्काशी साफ दिखाई दे रही हैं। नक्काशी मंदिरों में होती है, यहां भी ठीक ऐसा ही दिख रहा है। यहां पहुंचने पर हमारी नजर परिसर में बने इन स्तंभों पर गई जिस पर अलग अलग कलाकृतियां थी। इन खंभों पर घंटियां बनी हुई हैं, जगह जगह देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, गौ माता भी अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ जगह जगह जो प्रतिमाएं हैं वह भगवान गणेश की हैं, भगवान बुद्ध की हैं और दूसरे देवी देवताओं की हैं। आगे बढ़ने पर नजर उन मूर्तियों पर पड़ी जिन्हें आक्रांताओं ने खंडित कर दिया था। स्तंभ पर बनी इन मूर्तियों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि किसी के मुंह को तोड़ दिया गया है तो किसी को ऊपर से नीचे तक खंडित कर दिया गया। ये ठीक वैसी ही कलाकृतियां हैं जैसे मंदिरों में देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ने पर हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा दिखता गया जो मन में शक पैदा कर रहा था। इसके बाद हम कुतुब मीनार परिसर के उस हिस्से में पहुंचे जहां एक और सबूत दिखा जिसको लेकर दावा है कि यहां पहले मंदिर थे। जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं वहां को लेकर अलग अलग दावे हैं। ये पीछे आप मेरे जो देख रहे हैं ये भगवान नरसिंह की मूर्ति है और इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत पुराना स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को इसमें तोड़फोड़ भी की गई है। बहुत पुराना स्ट्रक्चर है। इसके आप आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर अलग अलग हिंदू देवी देवताओं के स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे। ये देखिए हिंदू मंदिरों की जो शैली होती है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ये कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर हैं जो हिंदू मंदिरों में आपको अक्सर देखने को मिलते थे, लेकिन इनको खंडित किया गया है। ये इस वक्त आपको यहाँ से टूटे हुए नज़र आएंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये दूसरे स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आएंगे। ये भी किसी ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपको हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं, जैन मंदिरों में देखने को मिलती हैं। जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे उसके बाद आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आते रहेंगे। वैसे ये विवाद 24,000 वर्ग मीटर में फैले उस जमीन के टुकड़े को लेकर है जिसे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
इस कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा एक मस्जिद भी है जिसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं। इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी माना जाता है। इसके अलावा इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का मकबरा है। खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा भी इस परिसर में बना हुआ है। यहाँ अलाई मीनार और अलाई दरवाजा भी है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं शताब्दी में कराया था। इतिहास में दर्ज है कि कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। इस बात के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद हैं। माना जाता है कि विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। इसी वजह से कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है और ये मीनार 73 मीटर ऊंची है। आगे बढ़ने पर एक पिंजरा दिखा, देखने में इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जब इसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें भगवान गणेश की मूर्ति है। इसे ही लेकर नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी भी कह चुकी है कि पिंजरे में जो गणेश जी हैं, इन्हें यहां से हटाकर किसी मंदिर या म्यूजियम में शिफ्ट किया जाना चाहिए। परिसर के अंदर हमारी नजर स्ट्रक्चर पर गई। इस स्ट्रक्चर पर अलग अलग कलाकृतियां नजर आई, लेकिन जब इसके ऊपरी हिस्से पर नजर डालेंगे तो आक्रांताओं की क्रूरता नजर आने लगेगी। इसके ऊपर अरबी और फारसी में आयतें लिखी दिखेंगी, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर के ऊपर रख दिया गया है। कुतुब मीनार परिसर में बने स्तंभ पर बनी ये आकृतियां, टूटी हुई मूर्तियां, ये नक्काशी, पिंजरे में बंद भगवान गणेश, बिखरे पड़े ये पत्थर और इसके नीचे दबा इतिहास बहुत कुछ कह रहा है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह की फैक्टफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। नमस्कार।